लतवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट। रविंद्रनाथ टैगोर का शांति का निवास शांति निकेतन, जो धार्मिक और क्षेत्रीय सीमाओं से परे सिखाने की जगह, जो कवि की दृष्टिकोण का प्रतीक है, को रविवार को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता दी गई। भारत में 41वें और बंगाल में 5वें शांति निकेतन को इस प्रतिष्ठित सूची में शामिल करने का निर्णय इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स की सदस्य द्वारा रियाद में आयोजित विश्व धरोहर समिति की 45वें सत्र में किया गया था। 2020 में महामारी फैलने की बाद यह समिति की पहली बैठक थी। 1901 में स्थापित शांति निकेतन को यूनेस्को की मान्यता दिलाने की यात्रा एक दशक पहले शुरू हुई थी, जब पुनर्स्थापन वास्तुकार आभा नारायण लांबा और संरक्षण वास्तुकार मनीष चक्रवर्ती ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लिए प्रारंभिक दस्तावेज तैयार करने के लिए सहयोग किया था। निष्क्रियता की अवधि के बाद इस पहल को 2021 में पुनर्जीवित किया गया, जब ASI ने केवल 10 दिनों में अंतिम डोजेज जमा करने के लिए आभा नारायण लांबा से संपर्क किया। लतवा न्यूज के स्टूडियो से नवीनतम अपडेट।